मैं राजू लाडवाल, प्रधान धानक समाज सिरसा। देखिए, आज ताजिया गांव में एक ऐसी घिनौनी हरकत हुई है एक बच्ची के साथ, जबकि कलकत्ता में हमारी बेटी डॉक्टर के साथ जो हादसा हुआ उसको तो हम भूल नहीं पाए। उसी के बाद तुरंत एक ताजिया गांव में 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, 6 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ है और अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है, और जिसमें उच्च अधिकारियों के पास तो अभी तक खबर तक भी नहीं है। SHO साहब कह रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, जबकि मेडिकल हो चुका है, सारा काम हो चुका है, पोस्को लग चुकी है, लेकिन ये एफआईआर 206 है। जबकि SP साहब को हमने आज बात की, DSP साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। SHO साहब कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या अभी भी इन्वेस्टिगेशन बाकी है? जब बच्ची का मेडिकल हो गया है, बच्ची ने बयान दे दिए हैं, सब कुछ हो चुका है, सारी प्रक्रिया हो चुकी है, तो फिर किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, धानक समाज पूरा जिला सिरसा सड़कों पे उतरेगा। अगर प्रशासन कहीं भी ढील बरतेगा, उनको बचाने का प्रयास करेगा, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बच्चियों को बचाने की बजाय उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है और इनको प्रशासन कहीं ना कहीं शह देता है, नहीं तो अब तक अरेस्ट हो जाने चाहिए थे। हम लोग सभी समाज के सड़कों पे उतरेंगे अगर 2-4 दिन के अंदर अंदर ये अरेस्ट नहीं हुए तो। गांव में ये जो परिवार है जिनकी लड़की है, अनाउंसमेंट किया गया है कि इनको कोई चाय पानी कुछ नहीं देगा, होका पानी इनका बंद कर दो यदि ये राजीनामा नहीं करते हैं तो। ये परिवार डरा हुआ है, संत कबीर वाटिका सिरसा में आज पहुंचा है। मैं यहाँ का प्रधान हूँ, मैं कल समाज सारा इकट्ठा करूँगा यहाँ और उनके सामने ये विषय रखूँगा कि हमारे समाज की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है, 10 साल की बच्ची है जिसकी तबीयत खराब है, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए जा रहे हैं सभी लोग। तो मैं कहता हूँ प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे दोषीगण दोबारा कोशिश ना करें कोई ऐसा काम करने की। धन्यवाद।